कुल नहीं आया, बाप के नौकरे का चल बात, कुल नहीं आया, बाप के नौकरे का चल बात, कुल नहीं आया, बाप के नौकरे का चल बात। जब तक आप लिखित में नहीं देंगे जब तक नहीं जाएंगे सर हम। क्या लिखित में देंगे? यही कि आपको पेपर देने नहीं मिलेंगे, आप पूरी साल स्कूल नहीं आए हो। आप हमें लिखित में दीजिए आप स्कूल नहीं आए। बाप की नौकरी का चल बात। क्या सर? बाप के पास जा रहे हैं सर आप? ऐसे बोलोगे? सीधा बाहर निकल यहाँ से। और सर नहीं गए तो मारोगे ना? नहीं गए तो फुकवाएंगे बाहर। ठीक है सर, कर लीजिए कोशिश। अभी आपने बाप के पास चले ही गए हो, और दीजिए गाली। क्लास में नहीं आया? नहीं नहीं, प्रिंसिपल हो आप स्कूल के, आप गाली दे सकते हो बिल्कुल। और गाली दे रहा? अभी आपने कहा ना बाप के पास गए हो ना, तो यहाँ से बहस वाली बात ही नहीं है। अभी आपने खुद बोला है बाप के नौकर है। सही है, अच्छे वर्ड बोलते हैं आप शायद। आप ठीक है, और बताइए और क्या बोलना है? क्या बस्ती में क्या हुआ आपके साथ आज? कुछ नहीं, मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। आज सरकारी स्कूल में पेपर देने गया। आज जो टाइम टेबल था 12 को, 12 अप्रैल से मेरे पेपर थे। सुबह 8 बजे से मैं पहुंचा तो मैंने सर से कहा मेरा टाइम टेबल नहीं मिला है, मुझे दे दीजिए। किससे कहा आपने? पहले मैंने अपने क्लास टीचर से, अयोध्या पटेल, भागचंद पटेल से। तो उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल सर को आ जाने दो, फिर मैं दिलवा दूंगा। तो मैं 12 बजे तक इंतजार करता रहा। 12 बजे जैसे ही प्रिंसिपल सर आए, मैं उनके चैम्बर में गया। मैंने उनसे कहा कि सर मेरा प्रवेश पत्र नहीं मिला है। प्रोफेसर, वो बोले कि तुम साल में सिर्फ 3 दिन स्कूल आए। मैंने कहा सर मैं मानता हूँ मेरे साथ 3 लोग और आए थे साल में 3 दिन स्कूल, पर उनको पेपर देने मिला है, मुझे नहीं मिला है। तो बोले कि सर तुम्हें नहीं मिला है पेपर देने, तुम जाओ यहाँ से। और माँ बहन की गालियाँ देने लगे। तो फिर मैं उसके बाद बाहर निकला, बरगद का पेड़ लगाया वहाँ पे, उसके नीचे बैठा रहा। फिर मैं उनके पास दोबारा गया, तो फिर मैं उनसे कहा कि मुझे लिखित में दे दीजिए सर कि आपको पेपर देने नहीं देना है। तो उन्होंने फिर कहा कि तुम्हारे बाप के मतलब नौकर, ऐसे बहुत सारे ऐसी गालियाँ दी हैं जो कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। और इसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी कर ली है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली है। अब आप क्या करेंगे? आपको पेपर देने नहीं मिला, अब क्या है सर? मेरी सर साल बर्बाद हो गई, इस तरह से थोड़ी रुकेंगे। अगर साल बर्बाद हुई मुझे पेपर देने नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। इसके जिम्मेदार सरकारी स्कूल के टीचर प्रिंसिपल होंगे सर। क्या नाम प्रिंसिपल का? वीके सोनी है सर। स्कूल के प्रिंसिपल ने ऐसी अभद्रता क्यों की आपके साथ? वो तो सर उन्हीं से पूछेंगे ना, क्योंकि मैं उनसे कह रहा था कि सर मेरी लाइफ का सवाल है, एक साल बर्बाद हो जाएगी, आप इन 2 बच्चों को देने दे रहे हो, मुझे नहीं दे रहे हो, मुझसे कुछ है क्या? तो वो बोले कि हाँ तुम्हें नहीं देने देना है, तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो कर्मचारियों से। और फिर उन्होंने कर्मचारियों से मेरे पकड़वा लिया, मुझे गालियाँ भी देने लगे, मोबाइल भी छुड़ाने की कोशिश की, जो मैंने वीडियो बनाई वो भी डिलीट करने की कोशिश की। वो तो मेरे मोबाइल में सेव रह गई है डिलीट बॉक्स में। खजर थाने में शिकायत की आपने? अभी नहीं सर, बस वहीं जाना है।